नमस्कार, स्वागत है आप सबका नर टीवी पर। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, किशोरदा का गाया हुआ ये गाना आज भी जब कहीं बजता है तो लोग थम से जाते हैं। तो ये गाना 1983 में रिलीज हुई फिल्म कलाकार का है। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी की लीड रोल में बतौर हीरो ये पहली फिल्म थी। और तब कौन सोच सकता था कि चॉकलेट इमेज वाला ये लड़का एक दिन फिल्म इंडस्ट्री से गुमनाम हो जाएगा। बॉलीवुड में सालों साल बिताते हुए मनोज कुमार ने इस इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। मनोज कुमार ने बॉलीवुड में रहकर खूब शोहरत हासिल की, इसलिए उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने भी फिल्मों में आने का फैसला लिया। कुणाल गोस्वामी को एक्टिंग विरासत में मिली थी, बचपन से ही वो अपने पिता को एक्टिंग करते हुए देख रहे थे। यही सोचकर मनोज कुमार ने कुणाल को एक्टर बनाने को सोचा। मनोज कुमार को लगा था कि वो भी उनकी तरह ही स्टार बनेगा और बॉलीवुड में उनका नाम रोशन करेगा। शायद इसी सोच के साथ मनोज कुमार ने कुणाल को बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में ढालना शुरू कर दिया। 1981 में अपनी निर्देशित फिल्म क्रांति में मनोज कुमार ने कुणाल को भी लिया। इस फिल्म में कुणाल ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। स्क्रीन पर कुणाल गोस्वामी का यह पहला एक्सपीरियंस था। के बाद कुणाल गोस्वामी ने और भी कई फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स किसी को रास नहीं आई। फिल्मों के नाम पर लोगों को सिर्फ कुणाल गोस्वामी की कलाकार ही याद है। इसमें वो श्रीदेवी के साथ नजर आए थे। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इसके गाने नीले नीले अंबर पर ने खूब धमाल मचाया। ये गाना श्रीदेवी और कुणाल गोस्वामी पर फिल्माया गया था। कुणाल का लुक तो अपने पिता ही जैसा था, लेकिन एक्टिंग के हुनर में वो उनसे काफी पीछे रह गए। शायद इसीलिए कुणाल खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित नहीं कर पाए और गुमनाम हो गए। फिल्मों में न चल पाने का दुख कुणाल को इस कदर खा गया, उन्होंने एक्टिंग और फिल्में छोड़कर कैटरिंग का बिजनेस खोल लिया और उसी में रम गए। एक तरफ जहां कुणाल अपने फ्लॉप करियर को लेकर निराश थे, तो वहीं मनोज कुमार उन्हें फिल्मों में पहचान दिलाने की कोशिशों में लगे हुए थे। जब बाकी लोगों ने कुणाल को फिल्में देना बंद की, तो मनोज कुमार ने फिर से कुणाल को रीलॉन्च करने की सोची और 1999 में जय हिंद बनाई। इस फिल्म का हश्र भी काफी बुरा हुआ। फिल्म में ऋषि कपूर और शिल्पा शिरोडकर जैसे स्टार भी थे, लेकिन वो भी कुणाल की इस फिल्म की नैया पार नहीं लगा सके। वहीं दूसरी ओर मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया और कुणाल गोस्वामी का फिल्मी करियर भी। अब कुणाल फिल्मों से दूर कैटरिंग का बिजनेस संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।